नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज़ यूट्यूब चैनल पे। और आज है 18 सितंबर 2020 और आज SBI के तरफ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है और मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ रिगार्डिंग जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा और क्या है वो अपडेट, कैसे अच्छा है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक यूजली क्या होता था कि आपको जब भी कभी पैसों की ज़रूरत हुई, आप ATM कार्ड लिए, ATM गए और जो लिमिट थी 25-30 की, जो भी थी लिमिट, आप वहाँ गए और वहाँ पे जाके आप 25,000 रुपये विड्रॉ किए और चले आए, ATM कार्ड डाला, पिन डाला और निकाल के पैसे वापस आ गए। लेकिन अब वो जो 25,000 की लिमिट है वो लिमिट कर दी गई है, एक्चुअली लिमिट नहीं कर दी गई है, वो तो लिमिट है ही, लेकिन यस एक नया रूल इम्पोज कर दिया गया है। अगर आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा का विड्रॉवल करना है ATM से तो आपको OTP लगेगा, दैट इज़ वन टाइम पासवर्ड। डेफिनेटली जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते होंगे OTP आप सभी को मालूम होगा, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं और जब आप अपने बैंक से पेमेंट करते हैं तो आपके अकाउंट से सामने वाले अकाउंट में पेमेंट करने के लिए बैंक आपसे OTP डिमांड करता है। अगर आप वो OTP सही डालते हैं तो ही आपके बैंक अकाउंट से सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सिंपल OTP, वन टाइम पासवर्ड। लेकिन अभी तक ये वन टाइम पासवर्ड किसी भी ATM में नहीं लगता था, लेकिन अब SBI ATM में लगेगा। अगर आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करना है या फिर ATM से 10,000 रुपये से ज़्यादा पैसे निकालने हैं तो आपको ATM में अपना फ़ोन ज़रूर लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज आप 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा का विड्रॉवल के लिए कमांड देंगे तो वो आपसे OTP मांगेगा। OTP कहाँ आएगा? OTP आपके रजिस्टर्ड कनेक्टेड नंबर पे आएगा जो आपके अकाउंट पे कनेक्ट होगा, इसलिए आपको अकाउंट में अपना नंबर भी कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप 10,000 से ज़्यादा का विड्रॉवल नहीं कर पाएंगे ATM से। तो वो ATM आपके नंबर पे आएगा जो आपके अकाउंट से कनेक्ट होगा। आप जैसे ही 10,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करेंगे ATM में तो आपके ATM आपके मोबाइल पे बैंक OTP भेजेगा, तभी आप 10,000 या उससे ज़्यादा का विड्रॉवल कर सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा किया क्यों गया? आपने बहुत सारे फ्रॉड्स के बारे में सुना होगा कि मुश्किल से कुछ मिनटों में लाखों रुपए निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉड्स होते हैं वो आपसे बात कर रहे होते हैं, बात करते करते ATM, फिर पिन, फिर OTP जैसे ही उनको मिला आपके अकाउंट में जितना हो सके उतना वो निकाल के फ्री हो जाते हैं। लेकिन अब ये लिमिट हो गई है 10,000 की। 10,000 की लिमिट हो जाने से अगर आपको 10,000 से ज़्यादा का विड्रॉवल करना है तो बैंक आपके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP भेजेगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। मींस अगर कोई फ्रॉड बड़े अमाउंट का, 10,000 से छोटे भी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन 10,000 से ऊपर का जो अमाउंट है अगर उसके लिए कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है तो वो कहाँ से भेजेगा OTP? आपके पास बैंक भेजेगा OTP तो अपनी वेबसाइट से भेजेगा, अपने मैसेंजर से भेजेगा, लेकिन वो फ्रॉड कहाँ से SBI का मैसेंजर बनाएगा? तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये ट्राई किया जा रहा है कि फ्रॉड कम से कम हो, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं पूरी तरीके से तो नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी हद तक फ्रॉड्स कंट्रोल हो जाएंगे इससे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि फ़ोन रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप 10,000 से ज़्यादा का विड्रावल करने जा रहे हैं ATM से। तो बस जब भी जाएं ATM फ़ोन ज़रूर ले जाएं।
जय हिंद।